फिर हमें भी पता चला कि सरकार ने लोक आस्था का महापर्व छठ जैसे पर्व मनाने से लोगों को रोकने का प्रयास किया है। जो गाइडलाइन उन्होंने निर्गत किया है उस गाइडलाइन में यह कहा गया है कि कोई भी राज्यवासी सार्वजनिक जगह पर छठ पर्व नहीं मना सकते। मेरा एक चीज़ मानना था कि सरकार ने जो गाइडलाइन दिया, एक तो बहुत विलम्ब से दिया, सभी लोग अपने अपने कमेटी के माध्यम से या जो डायरेक्ट अपने पूजा करते हैं, सभी लोगों का तैयारी लगभग पूरी हो गई है और सभी छठ घाट साफ हो गई है या सारा जो तैयारी का काम उन्होंने पूरा कर लिया है। अगर इनको गाइडलाइन देना था तो एक तो पहले करना था, दूसरा है कि जो गाइडलाइन उन्होंने दिया है, हम इसमें एक यह कह सकते हैं कि इतना बड़ा साल में एक बार यह छठ का त्यौहार या पर्व आता है और यह बिल्कुल लोक आस्था है, इसमें लोक भावना से जुड़ा हुआ है, इसमें इस तरह का गाइडलाइन नहीं आना चाहिए था। सरकार के तरफ से ये होना चाहिए था कि जो सामाजिक दूरी, अगर लॉकडाउन का ही वो बात कर रहे हैं, COVID-19 का ही बात कर रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से उनको करना चाहिए था कि COVID-19 को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए छठ जो सार्वजनिक जगह पर छठ होता है उसका पालन करते हुए वो पर्व मनाया जाए, लेकिन इन्होंने बिल्कुल बंद करने का निर्देश दिया है। इसे जनभावना को चोट निश्चित रूप से लगी है और हम व्यक्तिगत रूप से भी झारखंड सरकार से निश्चित रूप से हम आग्रह करना चाहेंगे कि इतना बड़ा त्यौहार जो लोगों ने तैयारी कर लिया है और साल भर का एक पर्व है इनका, तो उनको अपना गाइडलाइन पर या निर्गत किया हुआ निर्देश पर एक बार पुनर्विचार करना चाहिए। और हम छठी मैया से भी एक प्रार्थना भी हम करते हैं कि आप झारखंड सरकार को एक वो सद्बुद्धि दे ताकि इस निर्णय पर वो फिर से एक पुनर्विचार कर सके। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।